हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आप हैं आज के मेरे गेस्ट जो ये वीडियो क्लिक करके समझना चाह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत ही एग्जांपल्स के साथ, बहुत ही इंसाइट्स के साथ सिंपल वे में समझेंगे शॉर्ट वीडियो में, सो दैट आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं। तो जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो आप पे, बिजनेसेस पे, सभी पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप जो भी अर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे आपके ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा ना, आपके पास डिस्पोजल इनकम बहुत कम रह जाएगी। या सपोज कर लीजिए, आप जो फोन यूज़ कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, आपको लगता है कि वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो इसका मतलब होगा बिजनेस की जो सराउंडिंग्स होती हैं, जो बिजनेसेस पे इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी सराउंडिंग्स होंगी, कुछ सराउंडिंग्स होती हैं जो इंटरनली कंपनीज की होती हैं, कुछ होती हैं जो एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल की बात करें तो कंपनी के जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो लेबर होती हैं, जो मशीन वो यूज़ कर रहे हैं, ये सब इंटरनल आती है। अगर सपोज कर लीजिए लेबर स्ट्राइक कर देती है तो बिजनेस के ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक्सटर्नल में अगर सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट पर बैन लगा देती है, या मान लीजिए आप सोलर में डील कर रहे हैं और गवर्नमेंट आपको बहुत सारे इंसेंटिव दे देती है, तो जो पॉलिसीज होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, वो आपके ऊपर इंपैक्ट डालती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने का मतलब है बिजनेस के ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेंगे और बिजनेस के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे आपने देखा आज के टाइम में, अगर मारुति कंपनी है या हुंडई कंपनी है, ये सब अपना पेट्रोल डीजल वाली कार बना रही थी, पर जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल आया और इलेक्ट्रिक व्हीकल नई टेक्नोलॉजी आ गई, गवर्नमेंट प्रमोट करने लग गई, सब्सिडी देने लग गई, कंज्यूमर प्रेफरेंस करने लगे, तो इन लोगों को अपने जो विजन था वो चेंज करना पड़ा। और अब ये क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट की वजह से अब ये पेट्रोल डीजल कार की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रहे हैं। तो इनको ये डिसीजन मेकिंग चेंज करनी पड़ी क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस आया। तो इंडिया में अगर हम बात करें, आप एग्जांपल देख सकते हैं, तो पहले क्या होता था, कैश वॉच चलता था, तो लोगों को किसी ऐप की ज़रूरत नहीं थी, वो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ नहीं जानते थे। बट आज के टाइम में डिजिटाइजेशन है, तो आप देखो किस तरीके से जो पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, भीम यूपीआई, ये बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जिनका बिजनेस ग्रो होने लग गया क्योंकि मार्केट में डिमांड आने लग गई। तो दोस्तों थोड़ा इग्नोर करना, दिवाली का टाइम है, बम पटाखे चलते रहेंगे तो ये वॉइस आपको आती रहेगी। तो आइए, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको समझ में आ गया, आई होप। तो बिजनेस पे जो भी चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही हैं उनको एक बिजनेस को समझना जरूरी है, एक लॉन्ग टर्म विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो सब मिलके बनते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं नेचर की। तो देखिए, नेचर का मतलब होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इस पर्टिकुलर, हम जो एक थीम पढ़ रहे हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो देखिए, अगर हम नेचर की बात करें या करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो सबसे पहले तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इसका नेचर है ये बहुत डायनेमिक है और चेंजिंग है। यानी कि आप समझ सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है मुंबई का वेदर, ठीक है, कभी भी बारिश हो जाती है अचानक से, तो वो कभी भी एवर चेंजिंग है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो भी स्टैटिक नहीं है, कोई स्टेबल नहीं है, वो चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे ही कोई नई ट्रेंड आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कंज्यूमर की कोई नई नीड आ जाती है, तो उसके हिसाब से बिजनेस को चेंज होना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, पहले लोग कैश यूज करते थे, बट आज के टाइम में क्या हो गया, लोग यूपीआई यूज करने लग गए, डिजिटल पेमेंट्स यूज करने लग गए, तो क्या हुआ, सबको अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ा। आप आज छोटे से छोटे सब्जी वाले पे चले जाइए, उसको भी यूपीआई रखना पड़ रहा है, उसको भी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इन सब ऐप को अपने पास रखना पड़ रहा है, अदरवाइज कस्टमर लौट जाएगा। या हम दूसरी बात कर लेते हैं, आप देखो जिस तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस थे जो कभी थे ही नहीं, वो डिजिटल ऐप के थ्रू, डिजिटाइजेशन के थ्रू अपने बिजनेसेस को एस्टेब्लिश कर पाए। जो हमने अभी एग्जांपल लिया फोन पे का, पेटीएम का, गूगल पे का, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। सारी बैंक्स को देख लीजिए, आज बैंक्स की अपनी ऐप आ गई है। एसबीआई की बात करें, एसबीआई ने योनो ऐप लॉन्च कर दिया है, तो वो सभी तरीके की सर्विसेज दे रहा है। तो ये एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसको अपने बिजनेसेस में ये सब इवॉल्व करना पड़ा है। अच्छा, दूसरी बात करें, ये सब कॉम्प्लेक्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये कॉम्प्लेक्स है और इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब जैसे ही एक चीज़ चेंज होती है, उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पर भी आता है। जैसे अगर हम बात करें, फ्यूल प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस चेंज हो जाएं, तो उससे क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या जो भी चीज़ें लॉजिस्टिक के थ्रू आ रहा है, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है। स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। या अभी हमने देखा कि सेमीकंडक्टर बिजनेस की आप देखिए, तो सेमीकंडक्टर बिजनेस, सोलर बिजनेस, तो रिन्यूअल एनर्जी में जैसे हमारा एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेंट हो रहा है,
या हम बात करें हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी तरह की स्कीम लेके आ रही है। तो हम सोलर एनर्जी की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, ये सारे बिजनेसेस थे जिन पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है और इन सबको काफ़ी बूम अप मिल रहा है। तो ये बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है, सब इंटरकनेक्टेड है और कॉम्प्लेक्स है। तीसरी बात करते हैं हम, जो बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर है वो ये है कि अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जैसे हम बात करें COVID-19 से पहले बात करें, तो COVID-19 से पहले चीज़ें बहुत चेंज थी, पर जैसे ये पेंडेमिक आया आपने देखा होगा कई तरीके के बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ा, कई तरीके के बिजनेस डूब गए, कई तरीके के बिजनेस बहुत ग्रो कर गए। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल लिए मैं जोमेटो और स्विगी की, तो पहले कंज्यूमर का लाइफ स्टाइल बहुत अलग था, वो बाहर जाना पसंद नहीं करता था, या बाहर जाता था तो बहुत लिमिटेड जाता था। आज के टाइम में क्या हो गया है, जोमेटो स्विगी में घर बैठे कुछ भी मंगा लेते हैं, कभी भी मंगा लेते हैं। तो पहले लोग सोचते थे जाएं नहीं जाएं, बाहर खाएं नहीं खाएं, बट आज के टाइम में जोमेटो और स्विगी है तो फ़ौरन मंगा लेते हैं। तो जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, जिन्होंने इनके साथ टाइप कर रखा है, उनकी सेल काफ़ी बढ़ गई है। तो क्यों बढ़ गई, क्योंकि जोमेटो और स्विगी नाम की ऐप आ गई हैं इसकी वजह से। तो हमने समझा बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है ना, बहुत डायनेमिक है, इंटरकनेक्टेड है, काफ़ी चीज़ों से कनेक्टेड है और चेंजेबल है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी फैली हुई है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो काफ़ी फैला हुआ है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, सेगमेंट है, पैरामीटर्स हैं जिन सबको टच करता है, क्योंकि बिजनेस एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ से मिली हुई है और सारी चीज़ें बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या होता है, कंज्यूमर परचेज नहीं करता, या रिसेशन आ जाता है तो कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, या GDP ग्रोथ अच्छी हो रही होती है तो बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या गवर्नमेंट क्या करती है, RBI के थ्रू लोन ज़्यादा दे देती है लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर, तो लोगों के पास बहुत सारी इनकम आ जाती है, तो वो कार वगैरह, ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह की ग्रोथ होने लगती है। तो इंडियन कंपनीज की बात करें, अगर इन्फोसिस की, TCS की, ये सब काफ़ी ग्रो करे, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ऐसा था, अगर 2000 के बाद की बात करें, कि लोगों IT सेक्टर बहुत बूम अप किया, लोगों ने सब कुछ डिजिटाइजेशन किया, अपनी कंपनीज की वेबसाइट बनाई, एंड्रॉयड फ़ोन आए, एप्स बनी, तो इन सारी कंपनीज़ को काफ़ी बेनिफिट मिला, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कि इन कंपनीज़ की डिमांड होने लग गई। अच्छा, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट को टच करता है। तो जैसे गवर्नमेंट जो आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लॉज बनाती है, या टैक्सेशन के रूल्स चेंज करती है, तो ऑब्वियसली उसका आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ें जो बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो उसमें एक सेक्टर हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि आपके जो व्हीकल बनाते हैं पेट्रोल डीजल का, वो 10 साल या 15 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता, तो अब बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, मान लीजिए वो पहले 15 साल चल सकती थी कार, अब मान लीजिए डीजल की 10 साल चल सकती है, तो 10 साल बाद लोगों को डिस्पोज करनी पड़ेगी और कार जल्दी जल्दी सेल होंगी। या मान लीजिए आपका कोई ऐसी कंपनी है, मान लीजिए पहले कुछ कंपनीज क्या करती थी ना, चाइना से टॉयज मंगाती थी, उनको सेल करती थी, पर गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो टॉयज हैं बहुत हार्मफुल हैं, इनमें बहुत केमिकल्स हैं, इनकी डीलिंग नहीं हो सकती इंडिया में, तो उन बिजनेसेस को लॉस हुआ। तो जितने भी लीगल एनवायरनमेंट है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं, उसके बेसिस पे आपके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ओयो या ओला का, तो ओला का हमने देखा कि EV सेगमेंट में गवर्नमेंट बहुत सारे प्रमोशंस कर रही है, बहुत सारी स्कीम लेके आ रही है, बहुत सारे बेनिफिट दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो आप देखो जो ओला कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में डील कर रही है, उनके काफ़ी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर को सब्सिडी मिल रही है, उनके बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, अब तीसरा बात करते हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की। तो जैसे ही लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होता है, लोगों की कल्चरल वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम में ऑर्गेनिक बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मिलावट आ रही है, तो ऑर्गेनिक जो कंपनीज़ ऑर्गेनिक में डील कर रही हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही हैं, तो उन कंपनीज़ की डिमांड काफ़ी है। पतंजलि की बात करें तो लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं आजकल, बहुत केमिकल्स हर प्रोडक्ट में मिले हुए हैं, तो पतंजलि या बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कहती हैं हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो केमिकल फ्री हैं, तो लोग इनके प्रोडक्ट की डिमांड करने लग गए हैं। तो जैसे ही लोगों को समझ आती है, लोगों की वैल्यूज चेंज होती हैं, इको फ्रेंडली हो जाते हैं, तो उस हिसाब से कंपनीज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, तो आज के टाइम में क्या होता है, लोग एक एक दिन में बैठ के 2-2 GB 3-3 GB डाटा खर्च कर देते हैं, तो किन कंपनीज़ को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो जो कंपनीज ये सर्विसेज दे रही हैं, जैसे रिलायंस जियो की बात करें, ठीक है, तो इनके बिजनेसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स, लोगों की बात करें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर काफ़ी परचेज करने लग गए हैं ऑनलाइन घर बैठे, ट्रेंड ही चेंज हो रहा है, तो इस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो जिन कंपनीज़ ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना दिया है, जो सर्विसेज दे पा रही हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी दे पा रही हैं, उनके
प्रोडक्ट की डिमांड है। और जो कंपनीज हैं ऐसे नोकिया की बात करें, क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो अपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट ही नहीं कर पाया, वो एंड्रॉयड लेके ही नहीं आ पाया, तो वो फेल हो गया। तो कंपनीज की बात करें तो इन कंपनीज को इस बिजनेस एनवायरनमेंट के स्कोप को समझना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो देखिए, किसी भी बिजनेस को बिजनेस एनवायरनमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, उसको स्कैन करना चाहिए। आप आज के टाइम अगर एक बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, आपको सब कुछ समझना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, बिजनेस को एनवायरनमेंट की क्यों केयर करनी चाहिए, तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के लिए। देखिए, अगर आप समझ पाएंगे, अगर आप विजन री हैं, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा, अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, तो फ्लिपकार्ट ने अभी ऑनलाइन ग्रोसरी शुरू कर दी थी, तो उन्हें पता था आज के टाइम में लोग घर बैठे सब्जियां मंगा रहे हैं, बहुत सारी ऐप आ गई हैं, जैसे ब्लिंकिट आ गया, जेप्टो आ गया। ये बिजनेस क्यों ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि पता है ना, लोग बाहर नहीं जाना चाहते, आलसी भी हो गए हैं थोड़े, बहुत से अलग पॉल्यूशन रीजंस भी हैं जिनकी वजह से क्या होता है, लोग घर बैठे सामान मंगाना चाहते हैं। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेगा, अपने एनवायरनमेंट को समझ लेगा, लोगों के क्या टेस्ट चेंज हो रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड है, आगे क्या काम करेगा, अगर आप इजीली समझ लोगे तो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। सेकंड पॉइंट है आपका स्पॉटिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी उस चीज़ को समझ पाएंगे उतनी जल्दी आप अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे। जैसे डिजिटाइजेशन में पेटीएम ने क्या करा, अपनी आपने देखा होगा मशीन्स बना ली थी, वो छोटे छोटे जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं या अलग अलग दुकानों पर सब जगह लगा दिया, तो दुकानदारों को भी फायदा हुआ क्योंकि लोग ईजिली पेमेंट कर पा रहे थे, तो लोगों ने पेटीएम से टाइप करना शुरू कर दिया। और पेटीएम इतने साल से लॉस में थी, अभी प्रॉफिट में भी आई थी, इसका शेयर भी लिस्टेड है, काफ़ी लोगों को लॉस भी हुआ, पर पिछले कुछ टाइम से जो इन्वेस्ट किया उन्हें काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। अच्छा, इनहेंसिंग एडेप्टेबिलिटी, हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस को अपनी एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, उन जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एडप्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी आप एडप्ट कर लोगे उतना जल्दी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों समझना चाहिए, आपको इसलिए भी समझना चाहिए आप लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस कर पाएंगे। जैसे आज के टाइम में बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कुछ कंपनीज हैं जैसे टाटा स्टील वगैरह है, वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, या टाटा पावर है, उन्होंने क्या करा, बहुत सारी चार्जिंग स्टेशन लगाना शुरू कर दिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखा कि सस्टेनेबिलिटी की आगे डिमांड है, लोग जो गवर्नमेंट है वो फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल को मना कर रही है और वो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है, तो चार्जिंग स्टेशन तो काम आएंगे, या बैटरी बिजनेसेस हैं अमर राजा बैटरी, या फिर आप एक्साइट की बात करिए, तो इनका देखिए इनने अपनी बिजनेसेस हैं जो प्रोजेक्ट हैं वो इस तरीके के ही लगा रहे हैं जो आगे सस्टेनेबल बिजनेस को हेल्प करेंगे। तो इनके मार्केट में शेयर देख लीजिए आप, इनके शेयर प्राइस को पिछले 2-3 साल में दुगने से भी ज़्यादा इनके शेयर प्राइस हो गए हैं। तो अगर हम ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो आपको समझ में आ रहा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो ओला की बात कर लो, ओयो की बात कर लो, ये ऐसे बिजनेसेस हैं, या हमने फ्लिपकार्ट और अमेजन भी देखा जिन्होंने काफ़ी अच्छा फोकस किया और इनका बिजनेस में काफ़ी डिमांड हुई। या स्वच्छ भारत की बात करें तो आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रही हैं, क्लीन एनर्जी पे काम कर रही हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने इस एनवायरनमेंट को समझ लिया है कि आगे जाके ना इन्हीं चीज़ों की डिमांड रहेगी, और अगर वो अपने इन्हीं प्रोडक्ट और सर्विसेज के अकॉर्डिंग अपने को डील कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनका बिजनेस काफ़ी ग्रो करेगा। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है सुजलॉन, आप सुजलॉन चेक करिएगा किस तरीके का बिजनेस था, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया और काफ़ी उनका बिजनेस ग्रो करा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। डिजिटल इंडिया मूवमेंट में हमने देखा बहुत सारी आज के टाइम में कंपनीज हैं, जैसे हम बात करें जो फाइबर केबल्स हैं, तो फाइबर केबल्स या टावर की बात करें, इनमें जो कंपनीज आ रही हैं उन्हें पता है बहुत स्कोप है, और जिन्होंने इस एनवायरनमेंट को समझ लिया है वो आगे जाके शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे, बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे और वो लाइफ टाइम बने भी रहेंगे। अच्छा, बात करते हैं एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की, तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमने बात कर ली ऑलरेडी, टाटा पावर, या हमने अभी एक कंपनी देखी थी वारी एनर्जीज, जिसका शेयर 1200-1300 का आया था, वो पिछले 4-5 दिन में ही 2700-2800 का हो गया क्योंकि वो सोलर पैनल पे काम कर रहे हैं। तो हमें पता है आज के टाइम में आगे सोलर पैनल की बहुत डिमांड होने वाली है, तो उन्होंने समझ लिया इस बिजनेस को, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप मास्टर कर लोगे, अपने बिजनेस को समझ लोगे, अपने एनवायरनमेंट को समझ लोगे, तो आप सर्वाइव तो कर ही पाओगे और अपने बिजनेस को काफ़ी ग्रो भी कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंक्लूजन फॉर्म में लिखे हुए हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है बिजनेस को
स्ट्रेटेजी को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, अर्ली अपॉर्चुनिटीज लेने में, एडेप्टेबिलिटी करने के लिए कंप्लाइंस और लीगल नॉर्म्स आप फॉलो कर पाते हैं, अकॉर्डिंगली बिजनेस ग्रो कर पाते हैं और आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रहता है। तो शॉर्ट में मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से बताया आपको कि आपको ये चीज़ें आप कहीं भी वीडियोस को पॉज करके और बेटर समझ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें बिजनेस को समझना हो, बिजनेस एनवायरमेंट को समझना हो। थैंक यू।